लास्ट वीडियो में हमने कंसोल डॉट लॉग स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। ये कंसोल के बाद डॉट क्यों लगा हुआ है और कंसोल लॉग के बाद ये राउंड ब्रैकेट्स क्यों लगे हुए हैं, ये फ़िलहाल आपके लिए समझना ज़रूरी नहीं है। फ़िलहाल आपको सिर्फ ये समझना है कि कंसोल डॉट लॉग क्या करता है। कंसोल डॉट लॉग इस कंसोल टैब के अंदर प्रिंट करता है। तो यहाँ पे चूज़ मीडियम फंक्शन के अंदर मैंने 7 कंसोल लॉग स्टेटमेंट्स डाली हैं। मुझे कैसे पता चला कि ये 7 स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि हर स्टेटमेंट के बाद ये सेमी कॉलन आ रहा है। तो ये पहली स्टेटमेंट हो गई, ये दूसरी स्टेटमेंट हो गई, तो इस तरह ये 7 स्टेटमेंट्स हैं। जब मैं मीडियम का बटन क्लिक करूँगी तो ये सारी की सारी 7 स्टेटमेंट्स यहाँ पर प्रिंट होंगी। तो जब मैंने मीडियम का बटन क्लिक किया तो 1 से लेके 7 तक प्रिंट हुआ है, क्योंकि कंसोल लॉग स्टेटमेंट्स के अंदर मैंने 1, 2, 3 ये सारे नंबर्स लिखे थे। अगर मैं इनमें से कोई भी नंबर कमेंट आउट कर दूंगी, जैसे अगर मैं 4 को कमेंट आउट कर दूंगी कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबा के, और इसको सेव करके मैं रिफ़्रेश करूंगी, तो यहाँ पे आप देखें मीडियम पे क्लिक करने के बाद 1, 2, 3 प्रिंट हो रहे, लेकिन 4 वाली स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हो रही, क्योंकि वो वाली स्टेटमेंट मैंने कमेंट आउट कर दी थी। इसको वापस अनकमेंट कर देते हैं। अब अगर मैं मीडियम का बटन क्लिक करूं तो आप देखें कि सारी स्टेटमेंट्स एक साथ प्रिंट हो रही हैं। मैं ये चाहती हूं कि मैं एक एक स्टेटमेंट को प्रिंट होते हुए देखूं। मतलब पहले स्टेटमेंट 1 प्रिंट हो, फिर सेकंड वाली प्रिंट हो, फिर थर्ड वाली प्रिंट हो, मतलब मैं एक एक करके ये स्टेटमेंट्स प्रिंट करूं। तो उसके लिए मैं जाऊंगी सोर्सेज टैब के अंदर, और यहाँ पे आपको वो सारी फाइल्स नज़र आएंगी जो आपने अपने प्रोजेक्ट में क्रिएट की हैं। मैं script.js पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे आपका script.js का कोड ओपन हो जाएगा। अब मैं ये चाहती हूँ कि तीसरी वाली कंसोल स्टेटमेंट के बाद मैं एक एक करके स्टेटमेंट प्रिंट करूँ। तो यहाँ पर मैं लाइन नंबर 20 पे क्लिक करूँगी। अब जब मैं मीडियम पे क्लिक करूँगी तो आप देखें ये वाली लाइन हाईलाइट हो जाएगी। जब मैं कंसोल पे जाऊँगी तो यहाँ पे 1, 2 और 3 तक प्रिंट हुआ है, लेकिन 4 प्रिंट नहीं हुआ। उसका रीज़न ये है कि ये वाला फंक्शन यहाँ पे स्टॉप हो गया है, और यहाँ पे मेरे पास कुछ बटन्स नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इस वाले, ये जो सेकेंड वाला बटन है, अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो अब ये लाइन नंबर 4 रन हो जाएगी और फिर ये लाइन नंबर 5 पे स्टॉप हो जाएगा। जब मैं कंसोल पे जाऊंगी तो यहाँ पे देखें 4 भी प्रिंट हो चुका है और अब 5 प्रिंट नहीं हुआ। जब मैं इसको दोबारा से क्लिक करूंगी तो अब ये 5 भी प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे देखें कंसोल डॉट लॉग के अंदर ये 5 भी प्रिंट हो गया है। इसी तरह जब मैं नेक्स्ट का बटन दोबारा से क्लिक करूंगी तो ये 6 प्रिंट हो जाएगा, और फिर फाइनली जब मैं दोबारा से ये क्लिक करूंगी तो ये 7 वाला कंसोल भी प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह आप एक एक करके ये सारी लाइंस प्रिंट कर सकते हैं। और अब जब यहाँ पे मैं प्ले का बटन क्लिक करूंगी तो ये एंड हो जाएगा। इसको एक और मरतबा करके देखते हैं। मैंने मीडियम को क्लिक किया तो यहाँ पे देखें 1, 2 और 3 तो प्रिंट हो गया, लेकिन 4 प्रिंट नहीं हुआ। अब जब मैं नेक्स्ट, मतलब ये जो स्टेप ओवर वाला बटन है, इसे क्लिक करूँगी तो एक एक लाइन करके इस तरह एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पे 4 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि ये एक एक लाइन करके प्रिंट ना हो, बाकी सारी लाइन्स एक साथ प्रिंट हो जाएँ। तो मैं यहाँ पर यह प्लस का बटन क्लिक करूँगी और यहाँ पे आप देखें कंसोल के अंदर 5, 6 और 7 ये तीनों प्रिंट हो चुके हैं। तो अभी आपको इसका इतना फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा होगा, मतलब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्यों एक एक करके ये सारे लाइंस प्रिंट कर रही हूँ। लेकिन फ़िलहाल सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि एक एक लाइन किस तरह प्रिंट करते हैं, या एक एक लाइन किस तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर रन करते हैं। जब आगे हम जावास्क्रिप्ट पढ़ना शुरू करेंगे तो तब हमें समझ आएगी कि इस सोर्सेस टैब की
असल पावर क्या है।